हम नशा 24 घंटा करते थे, भांग दारू हर नशा में, मतलब नशे में रहते थे 24 घंटा। अच्छा। और आज दूसरी एतवार है कि हमको नशा गुटका तक नहीं है खाने का जी का। दारू बहुत पियाता है तो बाहर है, लेकिन बाबू ही दुआ कर दी। ये देखिए सारे लोग जो हाथ उठाए हैं, ये सारे लोग कह रहे हैं कि हमें बाबा पर बहुत विश्वास है। शराब की नशा कैसे छुड़ा देते हैं, ये बड़ा सवाल है। अब नशा छूट गया है या बस वैसे ही भौंकाल? नशा छूट गया है, वो बस पानी पीना है, पानी पीने के बाद से आपको इच्छा ही नहीं करेगी जो है कुछ खाने के पीने। नमस्कार, मैं अमित कुमार, आप देख रहे हैं टीवी समाचार। टीवी समाचार की इस वक्त टीम कुशीनगर जिले के नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत में पहुंची है। यहाँ एक बाबा हैं जिनका नाम सुरेंद्र साहनी है, कह रहे हैं कि लोगों को शराब पीना छोड़ा देते हैं, जो नशा करता है उसकी नशा छोड़ा देते हैं, ये बड़ा दावा करते हैं। यहाँ के लोगों से हमने जब जाना तो लोग कह रहे हैं कि मेरा बेटा नशा, तो मेरा बेटा छोड़ दिया। लेकिन सवाल ये है कि जो दवा से नहीं ठीक हो पाता है, ये सुरेंद्र साहनी सोखा जो हैं कैसे ठीक कर लेते हैं, ये सवाल ये भी रहेगा। लेकिन आइए हम उनके पास ले चलते हैं और लोगों से जानेंगे कि ऐसे क्या करते हैं जो नशा छोड़ा देते हैं। आखिर इनके अंदर ऐसा क्या है जो नशा छोड़ाने की बात करते हैं। कहा जाता है कि डॉक्टर, बड़े बड़े डॉक्टर नहीं छोड़ा पाते हैं, लेकिन एक छोटे से मामूली से एक व्यक्ति शराब की नशा कैसे छुड़ा देते हैं, ये बड़ा सवाल है। ये चारों तरफ पानी रखा है, पानी क्यों रखा है इसका भी आपको जवाब मिलेगा। आइए हम ले चलते हैं। ये देखिए ये लोगों का भीड़ है। अब सवाल ये है कि इतना लोग कहाँ से आ गए। अब सोचिए इन लोगों का कि शराब पीने का किसी ना किसी घर का ऐसा लत होगा, ये छुड़ाने आए हैं। आखिरकार नशा क्यों छुड़ा देते हैं, कैसे छुड़ा देते हैं, ये बड़ा एक सवाल है। चलिए आइए हम लोग बात करते हैं। सुरेंद्र साहनी जी हैं, ये देखिए इतने लोग चारों तरफ हैं। सवाल ये है कि नशा, कहते हैं कि जो डॉक्टर नहीं कर पाया वो सुरेंद्र साहनी कर रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है कि नशा से जो है कि पूरा दुनिया खत्म हो रहा है, लेकिन वहीं और वो भी सबसे बड़ी बात तो ये है कि फ्री में निःशुल्क जो डॉक्टर नहीं कर पा रहे हैं वो भाई साहब कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले नाम जानेंगे, उसके बाद जानेंगे कि क्या वाकई पड़ताल हमारी सही है या गलत है। क्या नाम है आपका? और सबसे पहले तो हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे जी, जो अपने चैनल के माध्यम से मेरी बात जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और धूप हो, बरसात हो, चाहे का तो तूफान हो, उसमें आप लोग चल करके न्यूज कवरेज करते हैं, इसके लिए धन्यवाद। मेरा नाम सुरेंद्र साहनी है, मैं ग्राम पचपेड़ा पोस्ट खानु छपरा थाना निबो नौरंगिया का स्थायी निवासी हूँ। नशा लोग कह रहे हैं कि आपके पास इतने लोग जो आए हैं, किसी के घर में कलेश है तो किसी के घर में कोई नशा वाला व्यक्ति है, और जब आपके पास आता है तो कहा जाता है कि वो नशा छोड़ देता है। ये ऐसे कौन से जादू टोना करते हैं, ऐसे कौन से दवा पिलाते हैं जो डॉक्टर नहीं कर पाते हैं वो आप करके दिखा देते हैं, ऐसे क्या है? देखिए मेरे भाई लोग अगर जो मैं लैंग्वेज बोलता हूँ, जो मैं इन लोगों को शिक्षा देता हूँ, वो शिक्षा ग्रहण करते ही इन लोगों को नशा छूट जाता है। और मैं दवा दुआ दोनों का प्रयोग करता हूँ, इसलिए लोग नशा छूट जाता है। और मेरा एक ही सिद्धांत है सर, जब तक जान में जान है तब तक फ्री आपका सेवा करेंगे। अगर किसी के हाथ से मेरी मौत लिखी रहेगी तो उसी के हाथ से मर जाएंगे, मुझे कोई परवाह नहीं, क्योंकि इन लोगों के लिए जिंदा इन लोगों के लिए मर जाएंगे। ना ही पैसा लेंगे और ना ही पैसा इन लोगों से मंदिर पे जा अपने मतलब दूसरे मंदिर पे चढ़ाना जो अलग बात है, लेकिन जहाँ पे हम देखते हैं वहाँ पे इन लोगों को चढ़ावा भी नहीं चढ़ाने देंगे, क्योंकि ये बेचारे गरीब आदमी हैं। जितने लोग मेरे पास आए कोई अमीर नहीं आए हैं, सब लोग गरीब आदमी हैं, सब लोग कहीं ना कहीं पैसा दे कर आए हैं, तो हम कैसे इन लोगों को लूट सकते हैं? तो जाओ, कोई भाई अपने भाई को बर्बाद कर सकता है? ऐसे तो हो नहीं सकता। अगर भाई का बर्बाद नहीं चाहता है तो भाई खुद का बर्बाद क्यों होना चाहता है? खुद अगर पैसा नहीं लेता है तो अपना प्रतिदिन यहाँ समय क्यों दूसरों के प्रति समर्पित करता है? अपना परिवार कैसे चलाता है? सवाल तो लोग ये कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा जो सवाल कर रहे हैं उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि मैं, आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैं पैसा नहीं कमाता हूँ, मैं पैसा कमाता हूँ, इन लोगों से बहुत ज़्यादा कमाता हूँ। जो इन लोगों से दुआ मिलता है वो पैसे से नहीं खरीद सकता हूँ। अच्छा। जो इन लोगों से प्यार मिलता है वो पैसे से नहीं खरीद सकता हूँ, उससे बड़ा पैसा क्या है बताइए ना आप? दुआ से तो खाना पानी नहीं चलेगा, ये दुआ ऊपर वाले की है और आम लोगों का आशीर्वाद प्यार ठीक है, लेकिन खाना पानी कहाँ से चलता हूँ? आपकी बात सही है, मेरा काल तक कि जो सौदौन होता है हम लोग उसको उगाते हैं, उगा करके रंजन विभाग को बेच देते हैं, 1 रुपया में हमारा 1 पौधा जाता है, और काल तो वहाँ से मेरा
खुराक ही चलता है, वहाँ से खुराक ही चलता है। और जो मेरा ट्रस्ट है, ट्रस्ट भी पैसा देता है, प्रियदर्शी राय मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट। अच्छा जी, मतलब एक चीज और है, हमें लगता है कि देखिए बिना स्वार्थ का इस धरती पर कोई नहीं है, ये कहावत सही है और वाकई सही है। हमें लगता है कि आगे आने वाले समय में ये विधायक बनेंगे, सांसद बनेंगे, बड़े मंत्री बनेंगे, सवाल तो ये मेरा रहेगा। नहीं सर, आपकी बात, मुझे नेता विधायक नहीं बनना है, और 3,40,000 लोग काफी के हिसाब से हो गए हैं। अगर नेता विधायक बनना चाह होता तो मैं बहुत पहले बन गया होता, लेकिन मुझे नहीं बनना। जिस दिन मैं नेता बन जाऊंगा, इन लोग अपने भाइयों को पहचानना छोड़ दूंगा कि तुम लोग हो कौन। मैं नेता नहीं बन सकता, मैं नेता नहीं बनूंगा, मैं भाई हूँ, भाई बन के रहूंगा और भाई बन के इन लोगों का सेवा करूंगा, भले ही मिट जाऊंगा लेकिन इन लोगों को झुकने नहीं दूंगा। अच्छा जी, कितने बता रहे हैं कि 3,00,000 कितने नासा छुड़ा चुके? 3,40,000। अच्छा, अब सवाल ये है कि 3,40,000 अब तक नासा छुड़ा दिए हैं। भाई हम तो देखते हैं कि आज भी जो है कि बिहार में दारू बंद है, लेकिन आज भी दारू जगह जगह से पकड़ा जाता है, पीने का जो पीते हैं वो छोड़ने का नाम नहीं लेते, और यूपी में दारू चालू है लेकिन ये छुड़वा दे रहे हैं। अचंभाव, ये कहते हैं पड़ताल, अब लोगों से भी जानेंगे कि कड़वा सच क्या है, क्योंकि आप तो कैमरे पर कुछ भी कह देंगे, अब लोग जो सही बताएंगे उसी को माना जाएगा। उसके बाद आपसे फिर बातें करेंगे। क्या नाम है चाचा? गाय कुशवाहा। कुशवाहा जी, कहाँ से आए हैं आप? नारायणपुर से। कितने दिनों से आप? अभी तो पहली बार आए हैं। अच्छा, पहली बार आए हैं, क्या हुआ है आपको? हमको कुछ नहीं हुआ, हमको हमारे भाई है, उन्हीं का कष्ट है, उन्हीं को दिखाना है। अच्छा, उन्हीं को दिखाने आए। नशा उसा समस्या नहीं है? नहीं, कष्ट वगैरह सब हर लेते हैं बाबा। अब महिला उनकी, अब हमारी पहली बार आए हैं तो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अब आगे भगवान की मर्जी। जो पुराने लोग हैं यहाँ नशा, जो नशा मुक्ति पे आए बार बार और उनका नशा छूट गया हो ऐसा लगता हो, क्या नाम है आपका? लक्ष्मण गुप्ता। गुप्ता जी, कहाँ से आ रहे हैं? सिधुआ से। सिधुआ बाजार से जी। कब से आ रहे हैं? बस तीसरा हफ्ता है ये। तीसरा हफ्ता है? और तीसरे हफ्ते में क्या कर रहे थे? पहले हफ्ता में क्या करने आए थे? पहले हफ्ता में आए थे तो सुबह से लेकर शाम तक दारू पीता था। दारू पीते थे जी? देसी इंग्लिश या भटाई? ए टू जेड पीते थे, जो भी मिल जाए। अच्छा, अब नहीं पीते हैं? अब नहीं पीते हैं। क्या खिला दिए भाई बाबा, क्या खिला? एक बार तो पी लिए, उसके बाद पीने का मूड नहीं किया। अब नहीं पी रहे हैं? नहीं, ऐसे कैसे हो सकता? पता नहीं। अच्छा, बाबा कितना रुपया ले लिया आपसे? 2,000-4,000, 10,000, 20,000, 50,000, कितना लिया? एक रुपया नहीं। बाबा फ्री में छोड़ा रहे हैं, ऐसे तो हो नहीं सकता। तब तो कैमरे पे नहीं बोल रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं? तो कैसे कह दे के लिए हैं? अच्छा, लिए नहीं है? नहीं लिए हैं। अच्छा, सर फिर सिस्टम कुछ हम चल के आए हैं कुशीनगर जिला से। कुशीनगर जी, दूसरी संडे में आए हैं आज। पिछले साल में मिट्टी जांच कराने आए थे, भीड़ लगी थी इतने ज़्यादा कि नहीं चेक कर पाए। आज मिट्टी लेकर आए तो बोले कि आज नहीं होगा, पितरपक महीना चल रहा है, इसके बाद होगा। हम नशा 24 घंटा करते थे, भांग दारू हर नशा में, मतलब नशे में रहते थे 24 घंटा। अच्छा, और आज दूसरी एतवार है कि हमको नशा गुटखा तक नहीं है, खाने का जी कर रहा है, पूरे परिवार में खुशी से रह रहे हैं, सुकून से रह रहे हैं। अच्छा, गुटखा भी छोड़ दिए हैं? शराब, गांजा, दारू सब चीज़ छोड़ दिए? भोजन कर रहे हैं दिन भर में पूरे तीन बार कर रहे हैं, हमको यही फायदा लग रहा है। बस पेट्रोल का तेल जितना आता है जाता है उतना ही लगता है अपने जेब से, 1 रुपये बाबा जी नहीं लेते हैं। अच्छा जी, बाबा जी क्या खिलाते पिलाते हैं? पिलाते कुछ नहीं, वैसे 20 रुपये में बोतल के देते अपने, लौंग डाल के देते, बस वही पीते थे, दो दो ढक्कन, बस इतना ही काम है। अच्छा, इसके पहले कहीं डॉक्टरी वगैरह पे भी दिखाए थे? हम टीका भी लगवाए थे नशा छोड़ने के, वो भी कामयाब नहीं हुआ। अच्छा, बहुत मंदिर पे गए, वहाँ भी कामयाब नहीं हुआ। यहाँ दूसरे एतवार से हम 1 हफ्ते से बहुत अच्छी तरह से हैं, बिल्कुल सही है। लोगों को लग रहा होगा कि हम सिखा दिए हैं पहले से, मीडिया वाला पैसा ले लिया है इसलिए तो बाबा के पक्ष में बोल रहा है, लेकिन और लोगों से पूछेंगे, कड़वा सच है हमारा। क्या नाम है चाचा आपका? राम सिंह मदेसिया। मदेसिया जी, कहाँ से आ रहे हैं आप? बेतिया। बेतिया जिला से आ रहे हैं? नहीं नहीं, हाँ अपने यूपी में। अच्छा, यूपी में बेतिया से आ रहे हैं जी। अच्छा, कब से आ रहे हैं आप? अब पहली बार आए हैं। पहली बार, क्या क्या क्यों आए हैं यहाँ पे? क्यों जी? कोई बीमारी अंदरूनी है इसीलिए मैं आया हूँ, मैं नशा वसा नहीं करता हूँ। नशा नहीं करता? नहीं, अंदरूनी बाबा भी ठीक कर देते बीमारी होगा जी। अच्छा, और कौन पहले से अगर हैं यहाँ, बहुत पहले से आते होंगे तो चाचा आप भी हैं? महिला, हाँ आ जाइए, थोड़ा चाचा से भी बात कर ले, महिला से पूछेंगे।